प्यारे बच्चों, आशा है आप सकुशल होंगे। हमारे माइंड में अथाह शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां तभी सामने आती हैं जब हम जागरूक या माइंडफुल रहना सीख जाते हैं। अभी हम माइंडफुलनेस की एक ऐसी ही गतिविधि करने जा रहे हैं जिसके सहारे हम अपने माइंड की शक्ति को बाहर लाएंगे। इस गतिविधि में हम अपना ध्यान पहले कुछ देर अपने आसपास की आवाजों पर केंद्रित करेंगे और उसके बाद हम अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। चलिए अब हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। सारे कामों को छोड़कर एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी करके कोमलता से आंखों को बंद कर लें। अगर आंखें बंद करने में कोई परेशानी हो तो आप नीचे देख सकते हैं। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब आप अपना ध्यान अपने आसपास से आ रही आवाजों पर ले जाएं। हो सकता है कुछ आवाज तेज है, कोई आवाज धीमी है। सिर्फ साक्षी बने। क्या कोई आवाज दूर से आ रही है? उसको भी सुनना शुरू करें। आवाजें चाहे धीमी हैं या तेज हैं, नजदीक से आ रही हैं या दूर से, इनको सुनते रहे, इनके प्रति जागरूकता बनाए रखें। सांसों के ऊपर ले जाएं। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, एक दृष्टा की भांति इसको देखते रहें। जब सांस अंदर आ रही है तो नाक के छिद्रों पे एक घर्षण हो रहा है, इसको महसूस करें। दृष्टा की भांति सांसों को देखते रहें, सांसों के प्रति जागरूक बने रहें। क्या अंदर आती हवा थोड़ी ठंडी है और बाहर जाती हुई हवा थोड़ी गर्म है? क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? एक भी सांस आपकी अवेयरनेस से, जागरूकता से छूट ना जाए। लगातार अपने सांसों को देखते रहें,
महसूस करते रहें। और अब धीरे धीरे एक बार फिर वातावरण के साक्षी हो जाएं। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। अपने शरीर के प्रति जागरूक बनें। अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाएं और जो ही आपको थोड़ा अच्छा लगे, धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद।